राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के दिशा निर्देश अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुरादाबाद के तत्वावधान में तुच्छ प्रकृति के आपराधिक वादों हेतु 11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुरादाबाद डॉक्टर अजय कुमार द्वारा दीप प्रज्वलित करते हुए किया गया। इस दौरान प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर 3 विमल शर्मा एवं नोडल अधिकारी अपर जिला जज पुनीत कुमार गुप्ता सहित अनेक न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे। जनपद न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए आम आदमी स्वयं पहुंचकर सुलभ और सस्ता न्याय हासिल कर सकता है। उन्होंने कहा कि त्वरित सस्ता सुलभ न्याय प्रत्येक नागरिक का नैतिक अधिकार है। राष्ट्रीय लोक अदालत तहसील न्यायालय से लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक के किसी भी न्यायालय अथवा विभागीय मामलों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किए जाने के विषय में जानकारी देते हुए प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोड नंबर 3 विमल शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय डॉक्टर अजय कुमार के निर्देश में किया गया है। पिछली बार भी उनके निर्देश में ही लगातार लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उनके मार्गदर्शन में लगातार लोक अदालतों में वादों के निस्तारण की संख्या बढ़ रही है। उन्हीं के द्वारा दीप प्रज्वलित करके लोक अदालत का शुभारम्भ किया गया। आज इस वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। विगत वर्ष में दिनांक 12 मार्च 2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था, जिसमें कुल 36,652 वादों का निस्तारण हुआ था। पिछली लोक अदालत 12/11/2022 में लगभग 64,095 वादों का निस्तारण किया गया है। इन वादों में मुख्य रूप से परिवार न्यायालय के बाद भी हैं, साथ ही मजिस्ट्रेट लेवल के बाद भी हैं। आज जो लोक अदालत लगाई गई है, इसका कितना लक्ष्य है? कोशिश यही है हम सभी लोगों की कि पिछला जो हम लोगों का निस्तारण था 64,095 था, उससे अधिक निस्तारण किया जाए। लगभग पिछली लोक अदालत में 100% इंक्रीजमेंट हुआ है, तो इस बार भी यही है प्रयास कि अधिक से अधिक वादों का निस्तारण किया। सर, लोक अदालत होती है, क्या पब्लिक में मैसेज देंगे, क्या अपील करना चाहेंगे कि लोक अदालत में जो भी बात निस्तारण होता है उसकी कोई भी अपील वगैरह नहीं होती है। जितनी कोर्ट फीस होती है उसका वापस उतनी कोर्ट फीस मिल जाती है, उससे पब्लिक को ही फायदा होता है और कोई भी सुलह समझौता जो भी होता है उससे आगे बाद नहीं बढ़ता। नहीं, लोक अदालत करना चाहिए। लोक अदालत के निस्तारण में कोर्ट फीस चूँकि नहीं लगती है, तो इसलिए अधिक से अधिक लोग आते हैं। बैंक वालों को भी नोटिस दिए गए हैं ताकि कि बैंक का जिन लोगों का ऋण बकाया है वो कम से कम धनराशि अदा करके अपना वाद निस्तारण कर सके।